देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे। सो राधे राधे सबको, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद एक नया व्लॉग बना रहा हूँ और बिजी था, इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। असाइनमेंट कंप्लीट करी है और शादियों में जाना था, इस वजह से वो अटेंड करनी थी, तो उस वजह से बिजी था। तो आज है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, 1 महीना हो चुका है, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो आज बनाएंगे अपना एक व्लॉग। वैसे कहीं तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि घर पे ही काम है, लाइव स्ट्रीम करनी है और ट्रेडिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, यही काम होता है। पर अब बहुत दोस्तों ने भी ये बोला कि जो अगर नहीं जाता तो घर की दिखाता कर, तो इसी वजह से अब अपने काम की दिखाएंगे, तो इस वजह से हम घर की बनाएंगे। और अगर कुछ कहीं जाते हैं तब की रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आया हुआ था ऊपर एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज छूट गई थी मेरी बहुत दिनों से, बस हवा निकल गई, झूठना नहीं बोलूंगा, पूरे दिन बिजी था, इस वजह से एक्सरसाइज छूट गई थी। तो आज आया हूँ दोबारा से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने, देखूंगा कंटिन्यू रहती है या नहीं, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद चलते हैं अपना नीचे नहाते हैं, और उसके बाद मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम भी चालू करनी है। तो स्टार्टिंग में तो लाइव स्ट्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई मूवमेंट नहीं आता, इस वजह से 12 बजे के बाद मैंने कल पहली बार की और एक ही ट्रेड में हमारा सब कुछ हो गया। यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी, इसको प्रेस करिए और आप देखिए जाके कि हमने कैसे अपना टारगेट अचीव किया था। ये वीडियो आपको दिख रही होगी। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं और फिर चलेंगे नीचे। तो एक्सरसाइज डन हो चुकी है। एक्चुअली 12 आ चुके हैं बंदर और यहाँ पे छत पे कोई नहीं है, तो अकेला मैं हूँ, बंदर आ गया तो मुझे भागना पड़ेगा और टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से बंदर से बचने के लिए मुझे भागना पड़ेगा। कोई सेंस है इस बात की? तो एक्सरसाइज हो तो गई है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रह गई थी, तो अभी चलते हैं नीचे, बंदर आ चुके हैं तो क्या पता मुझे पकड़ लें वो, तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे और अब करेंगे अपने रूम की सफाई जो हमारा है, और पहले भी करता था पर जब से बिजी रहा उसके बाद करना बंद कर दिया। स्टार्टिंग में तो दीदी करती थी मुस्कान, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, पर उसके बाद असाइनमेंट बनाने की थी और शादी में गया था, इस वजह से बिजी हो गया तो मैं नहीं कर पाया। तो अब मैं करूँगा, अभी झाड़ू मार लेते हैं, अभी सभी कपड़े उठाएंगे और झाड़ू मारनी है यहाँ पे और फिर पोछा लगाना है। तो चलिए करते हैं, आप देखिए टाइम लैप्स। तो अभी झाड़ू मार लिया, अब मारेंगे पोछा। ये तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, तो इससे हमें पता चलता है अपना काम खुद करना चाहिए। बात तो सही है। खुद काम करो अपना, पहले मैं भी नहीं करता था पर अब करना पड़ेगा। अगर टाइम पे लाइव स्ट्रीम करनी है और सारे काम करने हैं तो खुद करना पड़ेगा। तो अभी आखिरी रहता है, मुझे यहाँ पे बांधना पड़ेगा क्योंकि मैं फोन लेने आया था, वरना धब्बे रह जाते हैं। अब पता चल रहा है मुस्कान क्यों कहती है बाल बाल नीचे, पैर रख के आई हूँ, अब धब्बे रह जाते हैं क्योंकि फिर गंदा लगता है, रोशनी में ही गंदा लगता है, वरना ऐसे तो कोई देखेगा तो ऐसे तो पता ही नहीं लगता, पर हमें पैर नहीं रखना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा रह गया बस,
यहाँ पे फिर पंखा चला देंगे। अभी पोछे को निचोड़ के रखता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो नहाने का पानी हो चुका है, अब चलेंगे नहाने ठंडे ठंडे पानी से। पहले ये कर देता हूँ, फिर चलता हूँ ऊपर, थोड़ा सा और ख़त्म हो जाएगा तो भी करते हैं इसको, फिर आपको मिलेगा डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। तो अभी मैं एक्सरसाइज करके नीचे आ गया था और मैंने थोड़ा सा खा पी लिया और उसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी। अब बज चुके हैं 11:05 और साथ के साथ मैं हैरी पॉटर भी देख रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टारगेट जा रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है आज, बहुत बढ़िया। सारी 5 ट्रेड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 12 बजे तक और ट्रेड मिलती है तो मिलेंगी, वरना उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगा। टारगेट पूरा हो चुका है तो लाइव स्ट्रीम बंद ही कर देंगे, क्योंकि ओवर ट्रेड नहीं करनी, 5 ट्रेड बहुत है, उसमें प्रॉफिट होता है तो 5 ट्रेड भी बहुत है। अगर जिस दिन ज़्यादा ट्रेड करनी होगी तब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे। और बस अब देखते हैं 12 बजे तक, अभी मेरे पास 1 घंटा है, तब तक ट्रेड मिलती है तो मिलती है, वरना उसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, कोई वीडियो बनाए, देखते हैं क्या वीडियो बनाएंगे। ये ट्रेड थी हमारी पहली और ये फिर निफ्टी में, ये फिर निफ्टी में ये बढ़िया टारगेट गया 8000 प्लस इसका, और ये अभी भी चला हुआ है। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में मूवमेंट आए तभी यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और तभी यहाँ पे टारगेट बढ़िया वाला मिल सकता है हमें। तो अभी वेट करेंगे और 12 बजे तक वेट करेंगे, अगर मिलती है तो नहीं वरना छोड़ देंगे, लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। तो मिलते हैं आपको। और अभी 2 ट्रेड स्कैल्प और मिली है यहाँ पे फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे हमें ये ट्रेड मिली है। तो अब हो चुकी है 6-7 ट्रेड हो चुकी है। मैंने पहले ही कह दिया था वॉक्स को ब्रेक करे तब हम यहाँ पे ट्रेड एंटर कर देंगे, बोला भी नहीं जा रहा, छाला हो रहा है मुँह में। क्या कर रहे है यार तू? सही से बोला नहीं जा रहा। और आज काम है असाइनमेंट का, असाइनमेंट को बाइंड अप करना है, जितने भी हमने असाइनमेंट बनाई है उसको फ्रेम में, फ्रेम नहीं एनवलप में, जो फाइल्स होती हैं कार्डबोर्ड वाली, उसमें बाइंड अप करना है। और जो फर्स्ट पेज फ्रंट पेज उसको राइट करना है, रोल नंबर लिखने हैं सभी असाइनमेंट पेजेस पे। इग्नो में यही होता है कि अगर कोई भी पेज खुद मिलता नहीं है तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, तो इस वजह से हमें उस पर हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो आज वही काम करेंगे 12 बजे के बाद। तो अभी मार्केट ऑफ हो चुका है और मैंने अपनी एक वीडियो एडिट कर लिया और वो टेलीग्राम पे सबसे पहले डाली है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से करिए, और ये आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। और थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा मैं इसको। तो अभी अपना असाइनमेंट का वर्क करते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के लाने हैं और अपना असाइनमेंट सभी बाइंड अप करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सबमिट करवा के आनी है, जनवरी या फेब में सबमिट करवा के आऊँगा मैं, मार्च लास्ट है लेकिन जनवरी या फेब में सबमिट करवा के आ जाऊँगा। तो चलिए अब एक बार प्रिंट आउट निकलवा के आ जाता हूँ, फिर मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगा कितनी कंप्लीट करी और कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है अभी। अभी तो बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो नहीं आया है, अभी वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में आता है, फिर करवाएंगे फोटो स्टेट। रात हो चुकी है, थोड़ी देर आराम कर रहा था। तो भाई आ चुका था शॉप पे, मैं फ़ोटो स्टेट निकलवा के आ गया था। ये है मेरा आगे जो रखा है, ये मेरा रोल नंबर जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इस पे मेरी फ़ोटो है और रोल नंबर है ये जो यूज़ होगा। और ये जो आगे रखे हैं ये सभी क्वेश्चन पेपर है जिसकी प्रिंट आउट निकलवा के आया था फ़ोन से, बहुत मेहनत लगी है इनको कंप्लीट करने में और माजिश हो गई है इस वजह से मैं बोल नहीं सकता, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत लगी है, कंप्लीट हो चुके हैं ये, और ये गलती से रोल नंबर दिख गया, इसको मैं ब्लर करूँगा, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।